अब दूसरे पैर से रेडी गो 1 2 3 4 5 6 7 down 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मॉर्निंग में योगा का कंपटीशन करवाया गया बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से, ये उनके टीचर्स और ये जो कोच हैं ये बड़ी अच्छी तरह से कोचिंग करवाते हैं। बड़ी अच्छा अभी लेटेस्ट इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 15 डेज से ये करवा रहे हैं और बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह ग्रास्प किया है योगा। जैसे गवर्नमेंट का मानना है कि हर योग करे, हर इंसान योग करे ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान दिया जाए और आयुर्वेद और योगा की तरफ बढ़ा जाए, जो कि पुरानी पद्धति है और ऋषि मुनि सबके सबसे ये उनकी मान्यता है कि योग और इसी आयुर्वेद से आगे हुआ है। ठीक है, निवी आजा, निवी निवी जल्दी जा जा, इरा जल्दी आ, वेरी गुड, चल तू यहाँ से तू यहाँ पे चला लगे, चलो बैठ जाओ आगे जाओ, वेरी गुड, आगे देखो सारी प्रदेश नहीं पड़ा खबरों, वेरी मैं सबको दूंगा अभी बारिश है, सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, सर्टिफिकेट वाले किसी एसोसिएशन की तरफ से एक योगा का कंपटीशन यहाँ पे करवाया गया। हालांकि बच्चे जो हैं अभी इनिशियल स्टेज में यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मैं जरूर आशा करूँगा कि ये बच्चे जो हैं, जो हमारे ये इंस्ट्रक्टर हैं, जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये जरूर हर रोज हर दिन बच्चों को ये योगा सिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि ए सोंड माइंड इन ए सोंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। तो निश्चित ही आज इसके इस में कह सकता हूँ भाग दौड़ के माहौल में आदमी के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। मैं कह सकता हूँ कि योगा, आज हम योगा की अगर बात करें, हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो हिंदुस्तान से ही है, पर ज़्यादा फॉरेनर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम भारतीय जो हैं इसमें कम लगाव दिखा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि योगा के, अगर हम योगा की हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो योग द्वारा कितनी लंबी आयु जीते थे, स्वस्थ रहते थे। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं और कई बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। कम समय में जो आसन अक्सर घर बैठे आप योगा कर सकते हैं, अगर में सिर्फ आप 15 से 20 मिनट योगा करते हो तो आपको कई बीमारियों से आप बचे रहते हो। एक कोशिश आज एक कंपटीशन के तौर पे बच्चों को यहाँ पे लाया गया। आज यहाँ पे जो योगा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रखी गई थी, ये जो चैंपियनशिप थी आज यहाँ पे रखी गई, जिसमें तकरीबन 80 से 100 बच्चों की पार्टिसिपेशन रही, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के वाइज ये कंपटीशन कराया गया, जिसमें 8 से 12, 12 से 14, इस तरह से 5 कैटेगरी में जो इंटरव्यू अपना कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया। तो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो आपने देखी, काफ़ी बच्चों में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये योगा एसोसिएशन की तरफ से ये यहाँ पर करवाया जा रहा था। तो मैं इसके साथ सभी बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को शुभकामना देना चाहूँगा कि बच्चे यहाँ पे आए और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, और यहाँ पे जो हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस मौके पे यहाँ पहुँचे और बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह बांटे।
तो मैं आप मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करना तो विकास जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम क्या आगे भी चलते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको माध्यम आपके चैनल के माध्यम से पुंछ के वासियों को बताना चाहता हूँ कि योगा एसोसिएशन की तरफ से आने वाले दिनों में जो है वो यहाँ पे क्लासेस कोचिंग क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, तो जिसमें हमारे प्रेजिडेंट नरेंद्र कुमार जी हैं जो प्रेजिडेंट रहेंगे, ये कोचिंग क्लासेस यहाँ पे भी शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें कोई भी आ सकता है, इसमें सबको फ़ायदा ही होगा। योगा करने यही है कि सबको कोई इसमें कोई बुराई तो है नहीं है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आगे जैसे ही हमारी कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कोचिंग क्लासेस यहाँ पे शुरू की जाएगी। आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।